श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता हुए सरूपां दे मामले ते वख वख सिख जथेबंदियां ने गुरद्वारा अटारी साहब विखे मीटिंग कर फैसला लिया है कि 14 सितंबर नूं गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहब विखे एक पंथक इकट्ठ किया जाएगा, जिस तों बाद बकायदा एक मोर्चा लगा के दोषियों नूं सख्त सजावां देण दी मंग की जाएगी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाई सुखजीत सिंह खोसे ने कहा कि श्रोमणी कमेटी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पब्लीकेशन का एक हिस्सा बना के रख दिता है। पंथ वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा संभाल का जिम्मा जिन्हां लोगों को सौंपया गया सी उन्होंने इस वल ध्यान नहीं दिता। इस मामले से श्रोमणी कमेटी के प्रधान भी अपनी जिम्मेवारी निभाने विच असफल रहे हैं। मीटिंग तो बाद जथेबंदियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता सरूपों के मामले से दोषी ठहराए व्यक्तियों विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने लिए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जगमोहन सिंह नूं एक मंग पत्र भी दिता। मंग पत्र नहीं जी, एक दरखास्त दिती गई है जिहड़ी श्रोमणी कमेटी आनाकानी कर रही है। श्रोमणी कमेटी 326 सरूपां वाले मसले नूं ठंडे बस्ते विच पाउणा चाहुंदी आ। जिहड़ी उन्होंने ये गल कही आ कि असीं आप कार्रवाई करने च सक्षम हाँ, तो मैं एक सवाल करना चाहुंदा कि लौंगोवाल साहब तुसी पायलट गड्डी मोहरे क्यों नहीं हटा देंदे, तुसी अपने आप च सक्षम आ, उदों तुहानूं पुलिस दी लोड़ पैंदी आ। जे होर कोई तुसी कार्रवाई करवाउणे आ तां तुसी पुलिस कोल जाने आ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी एड्डी वड्डी तुसी घाला माला कर लिया, तो आपे मैं रज्जी पुजी आपे मेरे बच्चे जीण वाला तुहाडा कम चलण वाला नहीं गा, इस करके कौम तुहाडी गल नूं मंजूर नहीं करदी। असीं उन्ना चिर साह नहीं लवांगे जिन्ना चिर ये लोग जिहड़े सलाखां दे अंदर नहीं बंद हो जांदे ते अहुदियां दे उत्तों इन्हां नूं घर नहीं बिठा लेंदे। पहले ही कह चुका कि समर्थ नहीं, वह किदां समर्थ हो सकदे आ, वह गुरु ग्रंथ साहिब दे मालक नहीं हैगे। गुरु ग्रंथ साहिब उन्हां दा मालक आ, उन्हां नूं भुलेखा लग्गिया होया कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे मालक आ। गुरु ग्रंथ साहिब नाल जे कोई भी वधीकी करेगा वह बख्शिया नहीं जाऊगा। खालसा पंथ उहनूं प्रवान नहीं करदा। प्रधान ने इस गल दे डरों, क्योंकि सिखां विच रोस आ, सिख चाहुंदे आ कि छोटे अधिकारी ना फसाए जाण, छोटियां ते भी कार्रवाई की परंतु वड्डियां ते भी होवे। जदों वड्डियां दी गल चली तो उन्होंने गोंगलुआं ते मिट्टी झाड़न वाली गल की, जिहड़ी उन्हां दा गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़न वाले बयान हैगे आ उह किसे तरां भी कौम विच प्रवान नहीं हैगे। जे असीं आजाद पत्र देणा आ इह दरखास्त दा रूप समझ लैण के असीं इह जिहड़ी दरखास्त आ 2016 दे विच जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन दे विच अग लगी सी, इहनां दी अणगहिली कर लगी सी, ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਾਂ 9 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਠੇਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਸੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। अमृतसर तो लली शर्मा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।